हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉड स्कॉलरशिप चैनल। और आप लोग देख रहे हैं कि पीछे क्या है। कल बर्फ़बारी हुई और जो यूनिवर्सिटी हरबिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हरबिन सिटी, कल बड़ी शदीद बर्फ़बारी हुई। हमने बड़ा इंजॉय किया, लेकिन सर्दी थी बड़ी सख्त, तो बड़ा मज़ा आया। तो चाइना की तो यही मज़े हैं, पाकिस्तान में हमने कहाँ ये ऐसा फैसिलिटी है, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसी ब्यूटीफुल जगह हमने कहाँ देखी थी। पाकिस्तान में भी है, लेकिन चाइना का अपना ही मज़ा है। और इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करो तो आप लोग भी ये मज़े, इंशाल्लाह एक दिन आप भी इस मज़ों में होंगे। और इंशाल्लाह आज इतनी ज़्यादा बातें नहीं, लेकिन छोटे से चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, मैसेज करें कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा ईमेल का, क्योंकि अभी लोग ईमेल कर रहे हैं तो इन लोगों को रिस्पांस नहीं आ रहा। जो हमारा पीछे डिपार्टमेंट है, हमारा न्यूक्लियर साइंस का डिपार्टमेंट है, और ये ग्राउंड है सारा, ये तकरीबन 1 फुट बर्फ़ पड़ा हुआ है। तो आज कल शदीद बर्फ़बारी हुई थी, तो ये मैं कहना चाहता था कि आज जो छोटी सी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि हमें ईमेल नहीं का रिस्पांस नहीं आ रहा, हमने इतने ईमेल किए हैं। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा, कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं ना, कि वो जो लोग ईमेल बनाते हैं, ईमेल या सीवी बनाते हैं, ईमेल बड़े आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। जो बाकी ईमेल जो सीवी है, सीवी में वो कुछ लोग बड़ी गलती कर लेते हैं, उसमें वो अपने आप से रिसर्च डायरेक्शन डाल देते हैं, तो इसमें वो लोग गलती करते हैं। जब आप अपने आप से रिसर्च डायरेक्शन डालते हैं तो वो आपका अपना रिसर्च डायरेक्शन होता है। यहाँ पे हर प्रोफेसर का अपना रिसर्च एरिया होता है, रिसर्च डायरेक्शन होता है, तो ऐसे नहीं करने चाहिए आपने जिस प्रोफेसर को। तो कुछ लोग बड़ी गलती कर लेते हैं कि अपने आप से रिसर्च डायरेक्शन डालते हैं, तो उसको ये गलती होती है जिसको वजह से उसको रिस्पांस नहीं आता। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, मैंने जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैं उससे कह दूँ कि अपनी सीवी भेजो मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ, या ईमेल बॉडी भेजो। अगर आप लोगों को भी नहीं है तो आप मुझे अपनी सीवी अपने मेरे साथ शेयर करो, तो फिर मैं चेक कर लूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गलती होती है, मेन कॉमन गलती, वो ये करते हैं कि वो अपने आप से रिसर्च डायरेक्शन डालते हैं, तो इस तरह नहीं करने चाहिए। जिस प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हो, उसी प्रोफेसर का रिसर्च एरिया उठाओ और अपनी सीवी में रखो, फिर वही सीवी इस प्रोफेसर को भेजा करो। फिर दूसरे प्रोफेसर को अगर आपने ईमेल करने हैं, तो दूसरे प्रोफेसर के रिसर्च एरिया उठाओ और अपनी सीवी में रखो। तो इस तरह आप हर प्रोफेसर के लिए अलग अलग सीवी सेट करके भेजना होगा, अपने साथ वर्ड में ओपन रखो उसको, इस तरह आपने पीडीएफ में चेंज किया करो और रिसर्च डायरेक्शन चेंज किया करो और वही सीवी उसको भेजा करो। तो इस तरह आप चेंज कर सकते हो। अगर आपसे इतना नहीं होता तो आप इस तरह करो कि रिसर्च डायरेक्शन बिल्कुल सीवी से हटा दो और बाकी चीज़ें वही से रहने दो, लेकिन जो रिसर्च एरिया है या रिसर्च डायरेक्शन है वो सीवी से हटा दो और एक सीवी बनाओ कॉमन सीवी, फिर हर प्रोफेसर को वही सीवी भेज दिया करो। अगर इस तरह नहीं होता तो आप ऐसा करो कि आप कह रहे हो कि मैंने रिसर्च एरिया डालना है, तो रिसर्च एरिया आप ईमेल बॉडी में भी डाल सकते हो। जो रिसर्च इंटरेस्ट है या रिसर्च एरिया या रिसर्च डायरेक्शन है, तो आप उसको ईमेल बॉडी में रखो और हर प्रोफेसर का रिसर्च एरिया उठाओ और ईमेल बॉडी में जो जहाँ पे रखा है ना, वहाँ पे आप पेस्ट किया करो, वही ईमेल बॉडी उसको सेंड करो। तो इस तरह हर प्रोफेसर के लिए अलग अलग उसी प्रोफेसर का रिसर्च एरिया उठाओ, उसके साथ रखा करो और भेज दिया करो, और सी वी वही कॉमन एक सी वी सबके लिए यूज़ करो। अगर ये भी नहीं होता तो एक ईमेल बॉडी उठाओ, ना ईमेल में रखो रिसर्च एरिया, ना सीवी में रख करो, एक सीवी और एक ईमेल बॉडी सबको भेज दिया करो। लेकिन पीएचडी, जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो रिसर्च एरिया ज़रूर इसमें डाला करे, जिस प्रोफेसर को आपने ईमेल सेंड करें तो उस प्रोफेसर को, क्योंकि रिसर्च पीएचडी के लिए जो प्रोफेसर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो ज़रूर उसको ये देखते हैं कि उसका रिसर्च एरिया मुझसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मास्टर वाले तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन पीएचडी वाले को ये करनी चाहिए। तो ये गलती आप लोगों से थोड़ा कॉमन गलती होती है। बाकी अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो सीवी में कुछ एडिशन करो, कुछ चीज़ें डालो, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई, मैंने सीवी के फॉर्मेट भी शेयर की, इतनी चीज़ें मैंने सीवी में डाले, तो आप इस तरह अपने आप से इतनी चीज़ें डालो। ज़रूरी नहीं कि आपने बड़े बड़े चीज़ें, लेकिन छोटे छोटे आप सर्टिफिकेट के या कोई कोर्स किया हुआ है तो आप उसमें रख सकते हो, या कोई रिसर्च पब्लिकेशन की या रिसर्च किया है तो वो भी अपने सीवी में रख सकते हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज इंजॉय करते हैं, ये हमारा डिपार्टमेंट है न्यूक्लियर साइंस, ये हरबिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और ये ग्राउंड है।
यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, चाइनीज कल लोग फुटबॉल खेल रहे थे, आज पर कल ना परसों दो दिन पहले यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, आज बर्फबारी पड़ी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।